दोस्तों, हम सभी इस बात से तो अच्छी तरह से परिचित हैं कि हम सभी वानर जाति से मनुष्य में परिवर्तित हुए, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि प्रारंभिक काल का वानर आज के वानर से कई गुना अलग था। आदिकाल के बंदरों की संरचना न सिर्फ आंतरिक रूप से बल्कि बाहरी रूप से भी बिल्कुल अलग थी। जब हम छोटे बच्चे थे तब से लेकर आज तक हम लोगों को ह्यूमन इवोल्यूशन का ये चार्ट दिखाकर तो बहुत पढ़ाया गया कि आखिर हम इंसान कैसे बंदरों से मनुष्य में विकसित हुए, पर कभी किसी ने प्रैक्टिकली आपको इसका संपूर्ण ज्ञान नहीं दिया। अगर आप भी इस आवश्यक ज्ञान को अर्जित नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो में हम लोग आपको बंदरों से मनुष्य के विकास से संबंधित सभी सवालों एवं गतिविधियों के बारे में बताने वाले हैं। तो बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बात करते हैं आज से सैकड़ों करोड़ों साल पहले के ऐसे जीव की जिसके ऊपर हॉलीवुड की कई फिल्में बन चुकी हैं और वो सभी पसंद भी की जा चुकी हैं। ये एक ऐसी विशालकाय जीवों की प्रजाति थी जिसके आगे सभी प्राणी कमजोर थे और उस दौर में उसी खतरनाक जीव का ही एक छत्र राज हुआ करता था। वैसे तो आप सभी में से ज्यादातर लोगों ने पहचान लिया होगा, पर जो नहीं समझ पाए उन्हें बता दें कि हम यहाँ पर डायनासोर्स की बात कर रहे हैं। आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर ने पूरी धरती पर कब्जा कर रखा था। उनके आगे सभी जीव जंतु कमजोर थे और छुपे हुए रहते थे, और उन्हीं छिपे हुए जीवों की तरह उस समय स्तनधारी जीव भी किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय स्तनधारी जीव बहुत ही छोटे और न्यूनतम आकार के होते थे, जिस वजह से ज्यादा समय भूमिगत इलाके में ही बिताया करते थे। धरती पर डायनासोर्स का अस्तित्व कहीं न कहीं बाकी सभी जीवों के लिए अन्याय साबित हो रहा था, और इसी अन्याय को अंतरिक्ष की दिशा से एक ऐसा जवाब आया जिसने उल्कापिंड के रूप में धरती से टकराकर एक ऐसे अकल्पनीय मंजर को उत्पन्न किया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले उल्कापिंड के कारण धरती पर एक भीषण विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के कारण इतनी तीव्र ऊर्जा उत्पन्न हुई कि जिसे धरती पर कभी किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। इस ऊर्जा से बचने के लिए छोटे और स्तनधारी जीव तो हमेशा की तरह जमीन के अंदर घुस गए और धरती के अंदर ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाकर जीवित बच गए, लेकिन डायनासोर्स के लिए उनका विशालकाय शरीर ही उनके लिए मौत का कारण बन गया, और रेडिएशन और एनर्जी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से सभी डायनासोर की प्रजाति का अंत हो गया। एस्ट्रॉइड के टकराने से धरती पर खतरनाक रेडिएशन फैल रही थी जिससे मानो समस्त संसार में प्रलय आ गई थी। आसमान में धूल की मोटी परत जमने से सूर्य मानो अस्त सा हो गया और चारों ओर अंधेरा सा छा गया। धरती पर सूर्य की गर्मी तो नहीं पहुंच रही थी, लेकिन एस्ट्रॉइड के टकराने के कारण धरती इनिशियली काफी गर्म हो चुकी थी। उल्कापिंड के टकराने के बाद जब काफी साल बीत गए और सूर्य की किरणें फिर भी धरती तक नहीं पहुंची, तो इससे एक आइस एज की शुरुआत हो गई। फिर जब ये सिलसिला काफी लंबे समय तक यूं ही चलता रहा तो इसका परिणाम ये हुआ कि धरती पर सभी पेड़ पौधे मुरझा गए। एट लास्ट डायनासोर्स की प्रजाति पूरी तरह खत्म हो गई, और इस भयानक प्रलय के कारण प्रकृति असंतुलित हो गई, जिसके बाद केवल 5% जीव जंतु ही धरती पर जीवित बच पाए, जिनमें से अधिकतर जीव स्तनधारी जीव यानी मैमल्स की श्रेणी में थे। कुछ साल बाद धरती का तापमान बैलेंस हुआ तो प्रकृति फिर से धीरे धीरे सामान्य होने लगी, पेड़ पौधे फिर से हरे होने लगे, और धीरे धीरे ऐसे ही परिवर्तन में कुछ नए जीवों का भी जन्म हुआ। इसी श्रृंखला में आज से लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों का जन्म हुआ, लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि ये बंदर आज के बंदरों से बिल्कुल अलग दिखते थे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि इनका शरीर आज के बंदरों की अपेक्षा छोटा था, मुंह आगे की ओर थोड़ा सा लंबा था और पूंछ गिलहरी की तरह ऊपर उठी हुई थी। जब इनका नर कंकाल पुरातत्व विभाग वालों को मिला तो उन्होंने इसी को धरती पर बंदरों का पहला रूप घोषित कर दिया। फिर धीरे धीरे इन बंदरों की शारीरिक संरचना में परिवर्तन आने लगा। इसी तरह जीव जंतुओं के साथ साथ धरती भी धीरे धीरे परिवर्तित और संतुलित हो रही थी। कुछ लाख सालों बाद वातावरण पूरी तरह से सामान्य हो चुका था और दिन तथा रात अपने निर्धारित समय से पूरे हो रहे थे। ऐसे में कुछ जीव शाकाहारी थे जो प्राकृतिक चीजों से अपना पेट भरते थे, तो वहीं कुछ जीव जो मांसाहारी थे वे धीरे धीरे शिकार करने की प्रवृत्ति में आ रहे थे। लेकिन सामान्य होते होते धरती पर फिर एक विपत्ति आई जिससे अफ्रीका द्वीप के पूर्वी क्षेत्र में एक नई पर्वत श्रृंखला बन गई, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत श्रृंखला के कारण मौसम में काफी परिवर्तन आया। वहाँ के जंगलों में हवा का प्रभाव बहुत कम हो गया जिसकी वजह से जीव जंतुओं को भारी नुकसान पहुँचा। अफ्रीका के जंगलों में काफी समय तक बारिश नहीं हुई और वहाँ की जमीन तथा पेड़ पौधे काफी हद तक सूखने लगे। नदियों में पानी भी नहीं रह गया। इन सब में सबसे ज्यादा संघर्ष वहाँ के जानवरों को करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अफ्रीका के इन्हीं जंगलों में एक प्रजाति रहती थी जिसका नाम था पियरोलेपिथेकस, और आपको जानकारी होगी कि जानवरों की ये प्रजाति आगे चलकर हमारी पूर्वज बनी। जैसा कि बंदरों का स्वभाव है कि वे एक डाली से दूसरी डाली पर कूदते हैं, और इसके लिए वे अपने आगे के दोनों हाथों का सहारा लेते हैं। उस समय भी ऐसा ही होता था, लेकिन धीरे धीरे ये बंदर अपने दो पैरों से पेड़ की डाली पर खड़े होने की कोशिश करने लगे, और धीरे धीरे दो पैरों पर खड़े होने की इनकी क्षमता मजबूत होती गई। समय में आगे जाकर जब उनका विकास हुआ तो इन प्रजातियों में भी अलग अलग रूप देखे गए। इनमें से कुछ तो चिंपैंजी बन गए, जिन्हें हम आज भी देख सकते हैं कि वे इंसानों से काफी मेल खाते हैं,
और कुछ प्रजातियां धरती पर उतरकर पूरी तरह से इंसान बनने के लिए धीरे धीरे विकसित होने लगी। इन सभी प्रजातियों में सबसे पहले एडिपिथेकस रेमिडस पेड़ों से धरती पर उतरकर अपनी भोजन तलाशने लगी और जीवन यापन करने लगी। ये एक क्रांतिकारी कदम था क्योंकि इसके माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ियों को एक नई प्रजाति की धरोहर मिलने वाली थी। अब तक के इतिहास में आई हुई सभी प्रजातियों में से एडिपिथेकस रेमिडस ने अपना विकास सबसे अधिक तीव्रता से किया, जिसके अंतर्गत इस प्रजाति के जीवों ने, या कहें कि हमारे पूर्वजों ने, धीरे धीरे महज कुछ ही सालों में अफ्रीका के सभी क्षेत्रों में अपने समुदाय को फैला लिया। लेकिन अपनी पिछली पीढ़ियों से अधिक बुद्धिमत्ता होने के कारण ये सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इन्होंने अपनी यात्रा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई और फिर समय आने पर पूरी तरह से धरती के हर कोने पर निवास करने लगे। अपने बुजुर्गों के विपरीत ये पैरों से तो चलते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ समय आने पर जब इनका शरीर इनकी आवश्यकताओं के तहत ढलने लगा, तब आगे जाकर इनके हाथ भी पैरों के समान लंबे होने लगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहले पेड़ों पर लटकते थे तो इनके हाथों की लंबाई बहुत अधिक थी, पर जैसे जैसे इनकी वो आदत कम हुई, वैसे वैसे इनकी शारीरिक बनावट में परिवर्तन होने भी शुरू हो गए। फिर जब ये धीरे धीरे दो पैरों पर ही चलने लगे तो इससे इन्हें शिकार करने में भी आसानी होने लगी और इस नए परिवर्तन से इनकी ऊर्जा भी बचने लगी। धीरे धीरे इसी तरह इनमें बदलाव होता गया और इनका शरीर परिवर्तित होता गया। इनके हाथ पैरों की अपेक्षा छोटे होने लगे और इनके सिर की बनावट भी पहले की अपेक्षा बदलने लगी। इनकी खोपड़ी पहले आकार में छोटी थी, जो अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी क्योंकि इनकी बुद्धिमत्ता बढ़ रही थी। ऐसे में माना जाता है कि होमो हैबिलिस ही हमारे वो पूर्वज थे जिनके मस्तिष्क ने विकास करना शुरू किया था। धीरे धीरे उन्होंने बुद्धि के प्रयोग से नई नई चीजें सीखी, जिनमें से सबसे पहले तो उन्होंने पत्थरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। पत्थरों को हथियार की तरह प्रयोग करने से उनके हाथों की बनावट में परिवर्तन हुआ और उनकी उंगलियों में बदलाव देखने को मिला। होमो हैबिलिस ने ही सबसे पहले शिकार करना शुरू किया था, लेकिन अपने प्राथमिक युग में ये शिकार को कच्चा ही खाते थे क्योंकि इन्हें पकाने की प्रक्रिया पता ही नहीं थी। लेकिन एक दिन उन्होंने पत्थरों को आपस में घिसकर आग की खोज भी कर ली। आग की खोज मानव विकास की शायद आज तक की सबसे बड़ी खोज थी। पहले तो मनुष्य आग से डरता था, लेकिन जब उसे आग का महत्व पता चला तो उसे बहुत सी सुविधा होने लगी। आग के द्वारा ये कच्चे मांस को पकाकर खाने लगे, जिससे इन्हें भोजन करने में आसानी होने लगी और साथ ही साथ आग इन्हें ठंडे मौसम से भी बचाने लगी। जब इनकी बुद्धि में थोड़ा और विकास हुआ तो ये हर भोजन को पकाकर खाने लगे, जिससे इन्हें पाचन में आसानी होने लगी और इनकी ठंड का सामना करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वो ऊर्जा भी बचने लगी। इसके अलावा खाने को पकाकर खाने से इनकी कच्चे मांस को चबाने में लगने वाली ऊर्जा भी बचने लगी और वही ऊर्जा इनके दिमाग के विकास में सहायता करने लगी। इनके दिमाग का विकास धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर आज से लगभग 2 लाख साल पहले की पीढ़ी बड़े दिमाग के साथ जन्म लेने लगी। इनके दिमाग के साथ साथ शरीर की अन्य आंतरिक संरचना में भी परिवर्तन हुआ, जैसे उनके गले की नली की बनावट भी बदली, जिससे उनकी आवाज में परिवर्तन हुआ। अब वे अपनी अलग तरह की आवाज निकालकर आपस में संपर्क करते थे तथा अपनी बात एक दूसरे को समझाते भी थे। इंसान ने खाना खाना, एक दूसरे से संपर्क करना, अपने आप को सुरक्षित रखना तो सीख लिया था, लेकिन अभी वह पूरी तरह से विकसित नहीं था, ना ही उसने अपने लिए घर बनाना सीखा था। आग के आविष्कार के बाद हमारे पूर्वजों ने पेड़ों के पत्तों और जानवरों को मारकर उनकी खाल से अपने शरीर को ढकना सीखा, फिर धीरे धीरे बहुत सारी खोजें की जो एक मानव को सभ्य मानव बनाती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति निरंतर कुछ न कुछ करते रहने की है और इसीलिए आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार करता आया है और आगे भी करता रहेगा। अगर आपको धरती के जीवन और मानव सभ्यता के बारे में और बातें जाननी है और कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानना है जिनको पूरे YouTube में आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, तो इसके लिए आप हमारी हिस्टोरिकल ह्यूमैनिटी वाली सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी। इसके अलावा आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।